नमस्कार, मैं हेमलता और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मुजफ्फरनगर में गरजे अमित शाह, कहा यूपी से पलायन कर रहे गुंडे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद यूपी से गुंडे पलायन करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। पीएम मोदी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र में गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए हैं। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। शाह ने दावा किया कि बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 चीनी मिलें बंद हुई, लेकिन भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया, रोड शो में शामिल हुई बहन प्रियंका। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा भी चुनाव लड़ रही है। वही भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की। पार्टी की प्लानिंग है कि कम से कम 8 करोड़ घरों में गारंटी के कार्ड पहुँचाए जाए। अपमानित और परेशान करने के लिए किया गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई पर बोले केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय और निचली अदालत के जरिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अपमानित और परेशान करने के लिए हुई है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि पहला मुद्दा चुनाव में एक समान मौका मिलने से जुड़ा है। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जो उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकती है। वोटिंग से पहले ही उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यहाँ गिरफ्तारी का समय स्पष्ट असंवैधानिक मकसद का संकेत देता है। सिंघवी ने कहा कि जिस तरह से पसंदीदा बयान लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये फिक्स्ड मैच जैसा लगता है। अरुणाचल पर फिर भारत के साथ अमेरिका, चीन के नाम बदलने का किया विरोध। चीन ने हाल में अरुणाचल के 30 स्थानों के नामों को बदला है। चीन अपने दावों को मजबूत करने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा है। भारत कह चुका है कि इस तरह के कदम उठाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अब अमेरिका भी इस मुद्दे पर भारत के साथ आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण के जरिए क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र होने का दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे बनावटी नाम करार देते हुए मूर्खतापूर्ण प्रयास बताया और कहा कि इससे वास्तविकता नहीं बदल जाती। भारत में अरबपतियों की संख्या हुई 200, फोर्ब्स की लिस्ट में अंबानी का जलवा फिर बरकरार। फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की 2024 की सूची में इस बार 200 भारतीयों के नाम शामिल हैं। पिछले साल इसमें 169 भारतीयों का नाम था। इन भारतीयों की कुल संपत्ति $954 अरब है, जो पिछले साल के $675 अरब से 41% अधिक है। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी का नाम है, जिनकी कुल संपत्ति $83 अरब से बढ़कर $116 अरब हो गई, जिससे वह $100 अरब क्लब में प्रवेश करने वाले पहले एशियाई बन गए। मुकेश अंबानी ने दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। वह भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाने आ रहा शैतान। अजय देवगन और आर माधवन स्टारर शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। फिल्म को दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों ने खूब पसंद किया है। फिल्म महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट में शुमार है। शैतान कृष्णदेव याज्ञिक की हिट गुजराती फिल्म वर्ष का हिंदी रीमेक है, जिसे हिंदी में प्रदीप कृष्णमूर्ति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके किरदारों की भी खूब सराहना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैतान 3 मई 2024 को ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसके राइट्स नेटफ्लिक्स ने पहले ही खरीद लिए हैं। जलजले से कांपा ताइवान, ट्रेनें और बिजली सप्लाई ठप, जापान के द्वीपों पर सुनामी। आज भूकंप ने ताइवान की राजधानी ताइपे को हिलाकर रख दिया। 7.2 तीव्रता के भूकंप के कारण कई ऊंची ऊंची इमारतें ढह गई हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी तक आ गई। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। ताइवान के इस भूकंप को 25 सालों का सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान का ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके चीन के शंघाई तक महसूस किए गए। ताइवान में भूकंप के लगभग 15 मिनट बाद जापान के योनागुई द्वीप पर लगभग 1 फीट ऊंची सुनामी की लहर देखने को मिली। ताइवान में आए इस भूकंप को बीते 25 सालों का देश का सबसे भीषण भूकंप बताया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।